हेलो दोस्तों, आज हम थोड़ा गैलेक्सी के बारे में बात करते हैं और यूनिवर्स को ऐसे समझना थोड़ा आसान होता है, इसलिए हम इस प्रकार से समझते हैं। दोस्तों, गैलेक्सी को हिंदी में आकाशगंगा कहते हैं। इनमें गैस, धूल, अरबों सितारे और उनके सोलर सिस्टम एक जगह पर बड़ी संख्या में एकत्र हो जाते हैं तो उसे आकाशगंगा कहते हैं। ये सब ब्रह्मांड में एक साथ मूव करते हैं और गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि ग्रेविटी की वजह से सब एक साथ जुड़े रहते हैं। ये बात हुई शॉर्ट में कि आकाशगंगा किसे कहते हैं, तो चलिए थोड़ा गहराई में जाते हैं कि आखिर गैलेक्सी होती क्या है और कैसे बनती है। एक गैलेक्सी में भी लाखों सदस्य होते हैं। आपको पता है कि हम सभी एक घर में रहते हैं, इस प्रकार कई सारे घर मिलकर एक एरिया बनाते हैं। ऐसे ही कई सारे एरिया एक शहर और कई सारे शहर एक राज्य का निर्माण करते हैं। ऐसे ही कई सारे राज्य मिलकर एक देश बनाते हैं। इस तरह से ऐसे ही कई सारे एस्टेरॉयड मिलकर बनाते हैं एक ग्रह, जिसमें हमारी पृथ्वी भी है। ऐसे ही बहुत सारे ग्रह मिलकर एक सौरमंडल का निर्माण करते हैं और ऐसे ही कई सारे सौरमंडल और भटके हुए ग्रह या ब्लैक होल एक आकाशगंगा बनाते हैं। आप यहाँ पता कर सकते हैं कि हम एक आकाशगंगा की तुलना में कितने छोटे हैं। एक कण के बराबर यहाँ पर हमारी पृथ्वी है। गैलेक्सी हमसे जितनी बड़ी है उससे कई गुना एक दूसरे से दूर भी है। आप इसकी दूरी का अंदाजा इस बात से लगा सकते हो कि एक गैलेक्सी की रोशनी हम तक आने में लाखों या फिर करोड़ों वर्ष लगा देती है। दोस्तों, गैलेक्सी बनने का कोई ठोस प्रमाण तो नहीं है। बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड में बहुत ज्यादा गैस और धूल के बादल हो गए थे। ये इतने घने हो गए थे कि एक जगह से दूसरी जगह एक्सरे और गामा रे भी नहीं जा सकती थी। उसी धूल ने एक दूसरे से जुड़ना शुरू किया और जहाँ ज्यादा ग्रेविटी हो गई वहाँ पर ज्यादा धूल तारे इकट्ठा हो गए और उसी तारों के ग्रुप्स को गैलेक्सी कहते हैं। ज्यादातर वैज्ञानिकों का मानना है कि दो गैलेक्सी के आपस में टकराने से एक नई गैलेक्सी का निर्माण होता है और ये हमारे गैलेक्सी के साथ भी होने वाला है। हमारी गैलेक्सी और एंड्रोमेडा गैलेक्सी के बीच टक्कर होगी। ये वाली टक्कर आज से करीब 4.5 अरब वर्ष बाद होगी, लेकिन इन गैलेक्सी की टक्कर के बीच तारों की टक्कर बहुत ही कम होने की संभावना है। दोस्तों, ब्रह्मांड में 100 से 200 बिलियन से अधिक आकाशगंगाएं मौजूद है, लेकिन अनुमान है कि अभी हम 90% गैलेक्सी को नहीं जानते। अगर उन्हें भी गिन लिया जाए तो यह आंकड़ा 2 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा। वहीं एक गैलेक्सी का आकार उनमें मौजूद तारों से बनता है। गैलेक्सी में कुछ मिलियन तारों से लेकर 100 ट्रिलियन तारों तक हो सकते हैं। पहले के शुरुआती समय में इनके बारे में पता नहीं था। धीरे धीरे समय बीता, टेक्नोलॉजी का विकास हुआ और हमें इसके बारे में पता चला। इसमें सबसे बड़ा हाथ नासा की शक्तिशाली हबल टेलीस्कोप का है, जिसने अंतरिक्ष में मौजूद कई गैलेक्सी की तस्वीर लेने का बेहतरीन काम किया है। टेक्नोलॉजी और विकसित होने पर यह आकाशगंगाओं का दायरा और भी बड़ा होने की संभावना है। लेकिन एक बात यह भी है कि हम में से अक्सर लोग जब भी रात में आकाश की तरफ देख रहे होते हैं तब इन्हीं के बारे में जरूर कुछ ना कुछ सोचते हैं। यहाँ एक अमेजिंग फैक्ट है, आप जो भी देख रहे होते हैं आकाश में असल में वो सभी करोड़ों या अरबों सालों पहले की होती है, वर्तमान की तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि गैलेक्सी से हमारे तक प्रकाश आने में काफी समय लगता है। हो सकता है कि आपकी आंखें जो अभी देख रही है वहाँ पर वर्तमान में ऐसा कुछ दृश्य हो ही ना। अगर कोई गैलेक्सी हमसे 1 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर है तो हम उसे 1 करोड़ पहले की अवस्था में देख रहे होते हैं। चलिए अब बात करते हैं गैलेक्सी के प्रकार की, मतलब टाइप्स ऑफ गैलेक्सी। दोस्तों, 1926 में अमेरिका के एक खगोलविद वैज्ञानिक एडविल हबल ने इनिशियल स्कीम बताई थी, जिसकी मदद से गैलेक्सी को 3 भागों में बांटा गया था। गैलेक्सी को उनके आकार के अनुसार 3 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया था, स्पाइरल गैलेक्सी, इलिप्टिकल गैलेक्सी, इरेगुलर गैलेक्सी यानी कि सर्पिल आकाशगंगा, अंडाकार आकाशगंगा, अनियमित आकाशगंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं स्पाइरल गैलेक्सी यानी कि सर्पिल आकाशगंगा की। दोस्तों, सर्पिल आकाशगंगा पिनपेल्स की तरह दिखती है। उसके पास एक सेंट्रल डिस्क और बाहर की ओर 2 या उससे अधिक भुजाएं होती है। इसमें मिल्की वे गैलेक्सी भी आती है। अब बात करते हैं इलिप्टिकल गैलेक्सी यानी कि अंडाकार आकाशगंगा की। दोस्तों, अंडाकार आकाशगंगा एक गोलाकार या लंबी गोली के आकार की होती है। आकाश में जहां हम केवल इनके 3 आयामों में से 2 को देख सकते हैं, इसके केंद्र में अधिक तारे होते हैं और इनकी बाहरी क्षेत्रों में कम तारे होते हैं। अंडाकार आकाशगंगा आकाश में दूर तक फैली होती है। ब्रह्मांड में छोटी अंडाकार आकाशगंगाओं के सबसे सामान्य प्रकार की आकाशगंगा है जो ज्यादातर देखने को मिलती है। अब बात करते हैं इरेगुलर गैलेक्सी यानी कि अनियमित आकाशगंगा की। असामान्य रूप आकार वाली आकाशगंगाओं को अनियमित आकाशगंगा कहा जाता है। वे बहुत आम नहीं होती, इनमें से कई का तो स्पष्ट केंद्र बिंदु भी नहीं होता है। यह दूसरी गैलेक्सी की तरह भी नहीं होती है। इनमें से कई का जन्म गैलेक्सी के आपस में टकराने से होता है। मिल्की वे गैलेक्सी से भी बहुत छोटी आकाशगंगाएं होती है। हमारी गैलेक्सी की उपग्रह गैलेक्सी भी इन्हीं में से एक है, जिसका नाम लार्जेस्ट मैग्नेटिक क्लाउड है। दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। चैनल से ऐसे जुड़ जाना। फिर मिलते हैं। जय हिंद।